नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, चाहे वो फुल एंड फाइनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडवांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेंशन का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमें रिजेक्शन रीजन एक ऐसा दिया जाता है जिससे हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम सेम प्रोसेस सेम सब कुछ पहले भी यूज करके अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम हमारा क्लेम सेटल्ड हो गया था, लेकिन इस टाइम हमारा जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया गया है जबकि हम सेम सब कुछ वही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईपीएफओ के रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम सेम प्रोसेस लेटेस्ट टाइम में विड्रॉ करते वक्त हम यूज़ करते हैं, तब भी हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे एक रीज़न दिया जाता है जो कि लेटेस्ट अपडेट अभी ईपीएफओ में चल रही होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही केस दिखाने वाला हूँ और विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ और साथ के साथ मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर मेंबर पासबुक वाला जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इस पोर्टल में सबसे पहले मैं आपको क्लेम स्टेटस दिखाना चाहता हूँ। क्लेम स्टेटस कभी भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपने मेंबर पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का। यहाँ से आप उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे जिस मेंबर आईडी का आप क्लेम स्टेटस चेक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इस मेंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपके ठीक नीचे मेंबर आईडी के तीन आपको ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे। सेंटर में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा व्यू क्लेम स्टेटस का, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे क्लेम स्टेटस शो करने लगे हैं जितने भी क्लेम इस आईडी के थ्रू हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लेम दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरा रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक क्लेम किया था 4 मार्च 2021 को, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया 6 मार्च 2021 को। इसका जो रीज़न दिया गया वो यहाँ पे रिमार्क्स में आपको नजर आ जाएगा। रीज़न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नॉट अटेस्टेड बाय दी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आपने जो यहाँ पे पासबुक की कॉपी लगाई थी बैंक की, उसमें जो सिग्नेचर है और जो स्टैम्प है वो नहीं था, जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं जिसमें मेरा क्लेम सेटल हुआ है। अब सेटल जिसमें मेरा क्लेम सेटल हुआ है वो मेंबर आईडी मैं यहां से पहले सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां से मैं वो मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे व्यू क्लेम पे करके मैं इसका क्लेम चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक क्लेम किया था 6 जून 2020 को, जिसमें यहाँ पे आपको क्लेम स्टेटस जो था वो सेटल हुआ है 6 जून 2020 को। ये देखिए यहाँ पे सेटल दिखा रहा है और ये जो सेटल था वो मेरा जो अमाउंट था वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो 6 जून 2020 में जो मैंने यहाँ पे क्लेम किया था उसमें मैंने जो अपना पासबुक लगाया था वो कैसा पासबुक लगाया था, क्योंकि हमें जो एरर आया है वहाँ पे रिजेक्शन का वो ये आया है कि जो पासबुक मैंने लगाई है वहाँ पे फोटोकॉपी जिस पासबुक की लगाई है उस पे जो ऑथराइज सिग्नेचर नहीं है। अब ये देखिए 6 जून 2020 का अगर आप फॉर्म चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में चला जाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। और लॉगिन करने के बाद कभी भी आप अपना फॉर्म चेक करना चाहते हैं कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और वो फॉर्म कौन सा था, तो इसके लिए आप इस पोर्टल पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लेम स्टेटस शो कर जाएंगे जो भी आपने इस यूएन नंबर के जरिए किया हुआ है। तो वो जो मैंने आपको क्लेम दिखाया था वो 6 जून 2020 का दिखाया था। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 6 जून 2020 को हमारा कौन सा जो क्लेम था वो सेटल हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप वहां पे क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो थोड़ा आगे पीछे आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्म यहाँ पे सेटल यहाँ पे शो कर रहा है वो कर रहा है 5 जून 2020 को। तो ये देखिए जब भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक इसके आगे आपको यहाँ पे व्यू
पीडीएफ का एक आपको कॉलम मिलता है जिसमें आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां पे डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली वहां पे आपको डाउनलोडेड जो पीडीएफ है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 6 जून वाले में जाएंगे। तो ये देखिए मैंने 6 जून 2020 का पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे ओपन किया हुआ है। तो चलो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पासबुक लगाई हुई है एचडीएफसी बैंक की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की ये पासबुक है। यहाँ पे कहीं पे भी साइन और स्टैंप नहीं लगाया गया है, लेकिन वहां पे जो मेरे को एरर आया है वो ये आया है कि आपने अपने पासबुक पे साइन और स्टेप नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। तो वो जो क्लेम मैंने किया था 4 मार्च 2021 को किया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 मार्च 2021 को जो क्लेम किया गया था वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। चलिए मैं अब आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ कि इस फॉर्म में मैंने क्या फिल किया था। तो ये देखिए 4 मार्च वाला मैं फॉर्म ओपन करूंगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म ओपन किया हुआ है 4 मार्च वाला, तो मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पासबुक देखेंगे तो यहाँ पे सेम वैसा ही पासबुक है जो जैसा पासबुक मैंने पिछले क्लेम में अपलोड किया था, तो सेम वैसा ही पासबुक है। लेकिन इस बार मुझे रिजेक्शन मिली है और मुझे ये रीजन दिया गया है कि इस पासबुक के साइन और स्टैंप नहीं लगे हुए हैं आपके बैंक के। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब ये मेरा जो क्लेम है वो सेटल्ड हुआ कैसे है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लेम स्टेटस दिखा देता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मार्च को जो क्लेम मैंने किया था वो यहाँ पे 6 मार्च 2021 को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने बोला कि आपके जो पासबुक है उस पर आपका साइन और स्टैंप नहीं है आपके बैंक का। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे 12 मार्च 2021 को क्लेम किया, जो कि 16 मार्च 2021 को यहाँ पे कर दिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस वाले फॉर्म में मैंने क्या चेंज किया था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 12 मार्च 2021, तो यहाँ पे देखिए 12 मार्च 2021 का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब मेरे पास जो पासबुक है एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस इतना किया है मैंने कि इस पासबुक पे मैं क्या किया है, मैंने अपने बैंक का जो साइन और स्टैंप है वो यहाँ पे लगवा लिया है, और सिर्फ इसी वजह से जो मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ था वो अब अप्रूव हो चुका है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ईपीएफओ के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वहां पे पासबुक अपलोड कर रहे हैं पीएफ को क्लेम करते वक्त, तो उस पे आप अपने बैंक का जो स्टैंप और साइन है वो जरूर करवा ले। अगर आप साइन और स्टैंप करवा लेते हैं तो आपको रिजेक्शन जो आती है वो आपको नहीं आएगी, और इस रीजन से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे कई पीएफ मेंबर को आती है, हो सकता है कि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।